देखिए, अब देश की राजनीति में अब लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं रह गई। अब यूपी में ही अगर देखिए 80 सीटें हैं, 80 सीटों की अगर हम बात करें तो विपक्ष कहां जीतेगा। 80 की 80 सीटें एनडीए के खाते में। अब एक तो हम तो समझते हैं कि चुनाव एक फॉर्मेलिटी रह गई है। चुनाव एक फॉर्मेलिटी है, विपक्ष चाहे जितना चिल्ला ले कुछ होने वाला नहीं है। जेपी नड्डा का कहना यह है, हमारे जो साथ हैं, जो एनडीए के 38 दल हैं, इनका काम है देश को मजबूत करना, देश को विकास के राह से जोड़ना, लेकिन वहीं पे जो विपक्ष का जो गठबंधन है सिर्फ केवल एक फोटो अपॉर्चुनिटी बन के रह गया, क्योंकि किसी में कोई बंधन नहीं है और गठबंधन की बात कर रहे हैं। असल में देखिए, वहां जो लोग इकट्ठा हुए हैं और अलग अलग इलाकों में अलग अलग सबका सिचुएशन है, अब यहां जो गठबंधन है वो राष्ट्रीय स्तर पे गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में उसका जनाधार है, जो गठबंधन है। अगर यूपी की बात हम करें तो यूपी में एक बड़ा जनाधार अपना दल निषाद पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। अब एक बड़ा गठबंधन अब कहां बचता है यहां? तो राष्ट्रीय स्तर पे जो माननीय जेपी नड्डा जी कह रहे हैं, क्योंकि वो उनकी बात में दम है, और यूपी में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो यहां सरकार की जो योजनाएं हैं केंद्र की और प्रदेश की, धरातल पर मेहनत करके जो उन्होंने पहुंचाया, हम तो समझते हैं कि आजादी के बाद पहले मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं जिन्होंने जनता के बीच में सबसे ज्यादा जाने का काम किया है। क्या वजह रही थी कि बीच में आपको अलग होना पड़ा था और आज फिर एनडीए के दोबारा साथी बनके आज इस बड़ी बैठक में शामिल हो रहे हैं? वो राजनीति का एक पार्ट होता है, कभी कभी आदमी जाना सबको दिल्ली होता है, कभी रास्ता पकड़ के अलग से चले जाते हैं, कोई दूसरा रास्ता पकड़ के, लेकिन सबको जाना लखनऊ या दिल्ली है। तो अब रास्ता आपका एनडीए के साथ ही रहे? एकदम 100%। जो पहले जो चीजें थी जिसकी वजह से हटे थे और अब दोबारा शामिल हुए, क्या उस पर कोई विचार? बिल्कुल बातचीत होगी। देखिए, वहां जो अभी 14 जुलाई को हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया फिर कि 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार भर राज्य भर जाति को अनुसूचित जनजाति में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे, इस बात को माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा हुई, गृहमंत्री से भी चर्चा हुई, आज जा रहे हैं वहां एनडीए की बैठक में अशोका होटल जो 5 बजे है, वहां भी चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि 2/3 जनता का समर्थन हमारे साथ है, देश के कोने कोने से हमें सूचना मिल रही है कि अब इस बार बीजेपी हारने वाली है और ये जो विपक्षी गठबंधन है ये सरकार बनाने वाला है। अगर ये बात तो कांग्रेस पार्टी के लोग कहते तो उनकी बात में थोड़ा दम था। जिस पार्टी का अकेले सिर्फ यूपी में जनाधार हो और 2/3 की बात कर रहे हैं और 400 सीट जीतने का दावा करते थे, मैं भी साथ में था, और जब मैं साथ नहीं था तो 2/3 जनता ने साथ दिया तो 47 सीट जीते थे। अब 2/3 जनता ने इतना बहुमत दे दिया कि ओम प्रकाश राजभर साथ नहीं साथ आ गए तो 125 पर पहुंचा दिए। अब काहे छपटी आ रहे हैं, 24 आ ही गया है, 10 महीना और वो वेट कर लें, समझ में आ जाएगा सबको। क्या गठबंधन से, क्योंकि चिराग पासवान हुए, इन सब लोगों ने भी अब फिर से एनडीए में शामिल होने लगे हैं? देखिए, तमाम लोगों को लगने लगा है कि अब देश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और लोगों को काम पे और बात पे विश्वास होने लगा है। लोग इस नाते ज्यादा से ज्यादा संख्या में इधर जा रहे हैं।